टीवी का एक और पसंदीदा और पावर कपल अब एक दूसरे से अलग होने जा रहा है। महज 2 साल के अंदर दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। टीवी एक्टर करणवीर मेहरा का एक बार फिर से तलाक हो गया है। उन्होंने दूसरी शादी निधि सेठ से की थी। पहली 8 साल में तो दूसरी 2 साल के अंदर ही टूट गई। आइए आपको बताते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ और क्या है तलाक के पीछे की वजह। इन दिनों किसी रिश्ते का लंबा चल पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई चंद समय में ही अलग होने का मन बना लेता है। ऐसी ही खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। कुछ ऐसा ही टीवी के 2 जाने माने चेहरों के साथ हुआ। एक्टर करणवीर मेहरा और निधि का तलाक हो गया। इनकी शादी जनवरी 2021 में हुई थी, मगर कुछ महीने में ही इनकी शादी में खटास आने लगी थी और अब इन्होंने 2 साल बाद अलग होने का फैसला कर लिया है। जहां करण मुंबई में टीवी शो बातें कुछ अनकही सी की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं एक्ट्रेस अपनी फैमिली के पास रहने के लिए बेंगलुरु चली गई हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक निधि ने तलाक वाली खबर को कंफर्म किया है। उन्होंने बताया है कि हाँ, हमारा 3 महीने पहले ही तलाक हो गया था। हम साल भर पहले ही अलग हो गए थे। मेरा मानना है कि किसी रिश्ते में आए दिन लड़ाई झगड़े होना बर्दाश्त के बाहर होता है और ऐसे में कभी साथ नहीं रहा जा सकता। मेंटल पीस और एक दूसरे के लिए इज्जत, ईमानदारी और फाइनेंशियली रूप से सक्षम होना एक शादी में जरूरी है। वैसे करणवीर मेहरा की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उन्होंने अपने बचपन के दोस्त देविका से 2009 में की थी और इनका 2018 में तलाक हो गया था। आपको बता दें, निधि ने आगे बताया है कि किसी रिश्ते में आने से पहले कई सारी चीजों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। दुख की बात है कि आज भी लोगों को कुछ बर्ताव और इंसानों के बारे में उस तरह से जानकारी नहीं है, जिससे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। बता दें कि निधि ने मेरे डैड की दुल्हन, किस्मत का खेल और श्रीमद भागवत महापुराण में काम किया है। वो अभी अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में इंजॉय कर रही हैं। निधि ने बताया है कि मुंबई हमेशा से ही मेरे दिल के करीब रहेगा। मुझे एक्टिंग का बेहद शौक है और ये मेरी लाइफ का हमेशा एक हिस्सा रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी अपना ब्रेक टाइम एंजॉय कर रही हूँ और अपने इंटीरियर डिजाइनिंग करियर पर फोकस कर रही हूँ। मुझे बेंगलुरु का मौसम, खान पान, कल्चर सब पसंद है। जब कभी भी मुझे एक्टिंग का मौका मिलेगा, मैं मुंबई आऊंगी। चलिए आपको बता दें, निधि और करणवीर की मुलाकात कैसे हुई थी। अप्रैल 2023 में ही दोनों के बीच आई दरार के बारे में कई रिपोर्ट्स आई थी। ई टाइम्स के मुताबिक दोनों तभी से साथ नहीं रह रहे थे। एक्ट्रेस ने तो करण की सारी फोटोज भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी, लेकिन करण और निधि ने कुछ बताया नहीं था। फैंस को उम्मीद थी कि वो साथ आ जाएंगे। इनकी पहली मुलाकात 2008 में एक एड के दौरान हुई थी। फिर 3 साल पहले ये एक दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग के वक्त मिले थे और तभी इनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अब 2 साल बाद दोनों फिर से अलग हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।